हेलो तो गाइस इज वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज टाइगर। आई एम बैक विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे 1.9 में जो न्यू लॉबी आने वाली है उसके बारे में, और उसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं जो न्यू हमारा चेयर पार्क आने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और 1.9 में जो न्यू फीचर्स आने वाले हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तोड़ दो, फोड़ दो लाइक का बटन मेरी टाइगर रिपब्लिक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ना ऑल पे कर लो, ताकि मेरी हर एक न्यू वीडियो तक पहुंचती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 1.9 में जो लॉबी आने वाली है फोर्थ एनिवर्सरी की, काफ़ी ओपी होने वाली है, काफ़ी शानदार होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उसके पीछे काफ़ी कलरफुल ट्रायंगल शेप के रखे हुए हैं, और उसके साइड में आइकॉनिक लेवल 3 का पबजी का जो हेलमेट है वो रखा हुआ है। काफ़ी ओपी लग रही है लॉबी यार, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको 1.9 में जो लॉबी आने वाली है कैसी लगी। देन इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 1.9 में जो न्यू चेयर पार्क आने वाला है उसके बारे में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो न्यू चेयर पार्क आने वाला है काफ़ी खतरनाक किस्म का होने वाला है, काफ़ी ओपी होने वाला है, और पहले वाले चेयर पार्क के मुकाबले में काफ़ी बड़ा होने वाला है, और ऊपर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ओपी होने वाला है यार। ये चेयर पार्क तो काफ़ी कमाल होने वाला है, और गजब के फीचर इसमें आने वाले हैं यार। तो गाइस ये वाला हमारा चेयर पार्क 1.9 की अपडेट में हमें देखने को मिलने वाला है फाइनली, और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि पार्किंग जोन हो गया, रेस ट्रैक हो गया, और उसके साथ साथ और बहुत सारे फीचर ऐड किए गए हैं, जैसे कि शूटिंग रेंज, उसके बाद ग्लाइडर्स वगैरह, फ्री व्हील्स, काफ़ी ख़तरनाक किस्म के फीचर इसमें ऐड किए गए हैं यार। तो गाइस हमारे इस न्यू चेयर पार्क के बारे में और बहुत सारी लीक्स आई हैं, जैसे कि ये हमारा चेयर पार्क टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, जैसे कि न्यू अपडेट आएगा तो हमारा ये चेयर पार्क चेंज हो जाएगा। तो काफ़ी अमेजिंग बात होने वाली है, ये हमारा चेयर पार्क टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, और काफ़ी शानदार होने वाला है, काफ़ी खतरनाक किस्म का होने वाला है ये वाला हमारा चेयर पार्क। तो इस बार जो इसका थीम होने वाला है वो होने वाला है हमारी फोर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड भाई साहब। तो गाइस बैटल ग्राउंड यानी पबजी मोबाइल की जो फोर्थ यूनिवर्सिटी है वो आने वाली है 1.9 में, तो उसी से रिलेटेड जो हमारा चेयर पार्क होने वाला है वो होने वाला है फोर्थ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो गाइस इसके बाद जो इस चेयर पार्क में अनअवेलेबल यानी कि जो चीज़ें अभी आने वाली है ऐड होने वाली हैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ तो वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और जो इस चेयर पार्क में चीज़ें ऐड हुई हैं वो 1 by 1 मैं आपको दिखा देता हूँ। देन इसके बाद हम बात करते हैं हमारे चेयर पार्क के न्यू फीचर्स के बारे में, तो चलते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा पहला फीचर होने वाला है वो होने वाला है रेस ट्रैक। तो यहाँ पर आपको इस बोर्ड के पास आना होगा, और यहाँ पर आपने पसंद की व्हीकल सेलेक्ट करनी होगी। तो जैसे आप व्हीकल सेलेक्ट करेंगे आप अपने फ्रेंड के साथ रेस लगा सकते हैं, और उसके बाद अपने एनमी के साथ लगा सकते हैं जो आपके पास हो, और उसके साथ सोलो पे भी आप रेस लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। तो गाइस आप अपने टीममेट के साथ भी रेस लगा सकते हो, यानी कि अपने टीममेट का मज़ा भी पूरा कर सकते हो, और इसके साथ साथ जो हमारा रेस ट्रैक होने वाला कुछ इस टाइप का होने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें जो स्पीड बोस्ट है वो भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी खतरनाक किस्म का हमारा ये रेस ट्रैक भी होने वाला है, काफ़ी शानदार होने वाला है यार। तो गाइस ये जो हमारा न्यू रेस ट्रैक काफ़ी ओपी किस्म का होने वाला है, इसमें बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं, और अगर आप इस रेस ट्रैक से नीचे गिर जाते हो तो आप इसके ऊपर दोबारा भी आ सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ हमें एक वाटरफॉल देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होने वाला है, काफ़ी ओपी लग रहा है यार ये वाटरफॉल भी। तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेस ट्रैक कैसा लगा। तो गाइस इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि होने वाला है पार्किंग जोन। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे पार्किंग जोन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें बहुत सारी गाड़ी देखने को मिलने वाली है हमारे लेक मैप की, अरेंजल मैप की, और इवन इसके बाद हमें जो मिरामार मैप है उसकी जो न्यू गाड़ियाँ वो भी हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो आप इन गाड़ियों को उठा के पूरे चेयर पार्क का विजिट कर सकते हैं, यानी कि इन्जॉय कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है यार। तो गाइस ये था हमारा पार्किंग जोन, के बाद जो हमारा ग्लाइडर है उसको भी ऐड किया गया है इस चेयर पार्क में, और उसको पार्किंग जोन में ऐड नहीं किया गया, उसको ऊपर ऐड किया गया है जहाँ पे फ्री व्हील। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ग्लाइडर, बस ग्लाइडर को इसलिए ऊपर स्पॉन किया गया कि आप इसको आसानी से चला सको, उड़ा सको, जो भी आप इसको उड़ा के हमारा जो चेयर पार्क है उसका फुल व्यू ले सकते हो, टॉप वाला व्यू, जो कि काफ़ी सही बात है। तो गाइस इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, जो कि होने वाला है सुपर सोनिक होवर बोर्ड वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चेयर पार्क में आपको जगह जगह पर ये देखने को मिलने वाले हैं होवर बोर्ड, उसके साथ साथ काफ़ी अमेजिंग होने वाले हैं, जिस जैसे ही आप इसके करीब जाओगे तो इसका एंगल खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, ये आपको उड़ा कर ले जाएगा, काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है यार ये। तो ये आपको उड़ा कर ले जाएगा, जैसे आप इसके ऊपर पाँव रखोगे ना तो ये आपको उड़ा कर ले जाएगा जहाँ आपको जाना है। तो गाइस काफ़ी खतरनाक किस्म का ये हमारा फीचर होने वाला है। तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये होवर बोर्ड वाला फीचर कैसा लगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस इसके बाद हम बात करते हैं हमारे लास्ट फीचर के बारे में, जो कि होने वाला है शूटिंग रेंज। तो
एयर पार्क है तो नेसेसरी था इसमें शूटिंग रेंज ऐड करना। तो ये शूटिंग रेंज आउटडोर नहीं होने वाला, इंडोर होने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ओपी होने वाला है यार। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी गन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और खास बात है, यहाँ पर आप अपनी गन्स का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप कौन सी गन यूज़ करते हैं उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एग्जिट करेंगे मैच, फिर दोबारा एंटर करेंगे तो आपको वही गन मिलेंगी जो आपने कॉम्बिनेशन किया था, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। उसके बाद जाकर आप यहाँ पर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह लोकेशन बनी हुई है, यहाँ पर आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं जो कि काफ़ी ओपी होने वाले हैं। तो गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर करो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लो ताकि मेरी हर एक न्यू वीडियो तक पहुंच रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो टाटा बाय बाय।